नमस्कार विद्यार्थियों, गणित की कार्य पुस्तिका कक्षा एक और दो की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं बातचीत करने जा रहे हैं कार्यपत्रक तीन और चार के बारे में। अपन बातचीत करने जा रहे हैं। कार्यपत्रक तीन में अपन शून्य की अवधारणा के बारे में समझेंगे कि शून्य होता क्या है, ठीक है, और किस प्रकार से शून्य हमारे काम आता है हमारी गणनाओं में, हमारी संख्याओं के, अपन जब भी किन मतलब गणना करते हैं तो शून्य उनमें किस प्रकार से काम में आता है, इसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। इससे पहले की कक्षाओं में अपन ने सीखा था एक से पचास तक की संख्याओं की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए कार्यपत्रक तीन के अंदर अपन बातचीत करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है पेड़ पर कितने फल हैं। क्या कहा गया है? पेड़ पर कितने फल हैं, ये अपने को काउंटिंग करनी है, काउंटिंग देखकर ही करनी है कि पेड़ पर कितने फल हैं, ठीक है। आपको दिख रहे हैं ये जैसे ट्री हैं, ये पेड़ हैं, ये एक ट्री है, ये दो, ये तीन और चार। कितने ट्री दिए गए हैं अपने को? अपने को बुक में चार ट्री दिए गए हैं, चार पेड़ दिए गए हैं। इन पेड़ों पर देखो ये मैंगो लग रहे हैं, आम लग रहे हैं, तो इन आम की गणना करनी है अपने को, ठीक है। क्या करनी है? गणना करनी है और गिनकर उस बॉक्स में नीचे लिखना है अपने को। तो चलिए अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कितने कितने किस किस पेड़ पर कितने कितने आम लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए जैसे फर्स्ट पेड़ है ये, इस पर देखो एक दो तीन, वन टू थ्री, कितने मैंगो हैं इसमें, आम हैं तीन हैं। आप लोगों को ये सब कुछ जो है वो पेंसिल से फिल करना है, मैं पेन से कर दे रहा हूँ आपको, ये काम पेंसिल से ही करना है, ठीक है, क्योंकि कक्षा एक और दो छोटे बच्चों की कक्षा है और उनमें पेंसिल का ही यूज़ ज़्यादातर किया जाता है ताकि जो कुछ गलत हो जाता है तो फिर से उसको मिटाकर सही कर किया जा सके, ठीक है। पहले पेड़ पर कितने आम हैं? तीन आम हैं, तो अपन ने लिख दिए हैं ब्रैकेट में या बॉक्स में तीन आम लिख दिए हैं। सेकंड वाला जो ट्री है, दूसरे नंबर वाले पेड़ पर अपन मैंगो को काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, या एक दो तीन चार पाँच, कितने हुए? वन टू थ्री फोर फाइव। तो इस ब्रैकेट में, इस बॉक्स में अपन पाँच लिख देते हैं, ये मैंने लिख दी है पाँच। आप भी आपके जो सेकंड नंबर वाला जो ट्री है उसमें मैंगो को काउंट करो, कितने नंबर ऑफ मैंगो है उसमें, जितने नंबर में मैंगो हैं उतने लिखने हैं आपको। तीसरे वाले ट्री या पेड़ पर अपने को मैंगो काउंट करने हैं, तो ये मैंगो है एक दो, वन और टू, केवल कितने हैं? दो ही हैं, टू हैं, तो ये मैंने टू लिख दिए हैं। कितने लिख दिए हैं? टू लिख दिए हैं। और फोर्थ नंबर के ट्री पर कोई लग रहा है क्या? कोई आम नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एक भी आम नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? जीरो है। जहाँ कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। और जीरो को एक गोले के हिसाब से एक गोला बनाकर उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो में देखो, अब ये गोले ही बन रहे हैं, इसका मतलब यूँ नहीं है जीरो है, ठीक है। देखो प्लेट में कितने रसगुल्ले हैं, ये एक प्लेट है जिसके अंदर क्या कर रखे हैं? रसगुल्ले रख रखे हैं। आपके भी रसगुल्ले प्लेट में ही रख कर लाते हैं ना, तो चलिए पहली प्लेट में अपन चेक करते हैं कितने रसगुल्ले हैं, एक दो तीन, कितने हैं? वन टू थ्री। तो इन थ्री को अपने को बॉक्स में लिखना है, मैं लिख दे रहा हूँ थ्री, आपको ये सब पेंसिल से लिखने हैं। दूसरी प्लेट के अंदर अपन चेक करें, दूसरी प्लेट में कितने हैं? एक हैं, तो ये मैंने एक लिख दिया है दूसरी प्लेट के नीचे बॉक्स में मैंने एक बना दिया है। तीसरी प्लेट में मेरे को कोई भी रसगुल्ला नहीं दिख रहा है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर क्या है? जीरो, तो मैंने ये जीरो बना दिया है। फोर्थ प्लेट पर चलें अपन, चौथी प्लेट में मेरे को वन और टू, कितने रसगुल्ले दिख रहे हैं? दो रसगुल्ले दिख रहे हैं, तो जितने रसगुल्ले दिखे हैं उनको अपन बॉक्स में लिख देते हैं, दो लिख दिए मैंने। पांचवी प्लेट के बारे में बातचीत करें, तो पांचवी प्लेट में काउंट करें, एक दो तीन चार और पाँच, कितने रसगुल्ले हैं? पाँच हैं, तो ये मैंने ब्रैकेट में पाँच लिख दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर थ्री में। प्रश्न नंबर थ्री में क्या है? प्रश्न नंबर थ्री में अपने को मिलान करना है। किसका मिलान करना है? अपने को चित्र बना के दिया हुआ है और बीच में नंबर्स लिखे हुए हैं, संख्याएं लिखी हुई, जैसे ये नंबर है फोर, तो इधर वाले को और इधर वाले को मिलान करना है, पर इन संख्याओं के बराबर का मिलान करना है। तो ये चार को इनसे मिलावें क्या? ये तो वन और टू है, दो फ्लावर ही है। इधर देखो ये एप्पल है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये भी नहीं, इनसे नहीं मिला सकते। इसी टाइप से जहाँ पर चार नंबर में होंगे उनको ही मिलाना है, तो वन टू थ्री फोर, ये इससे मिला सकते हैं अपन। और देखो चार कहाँ है? वन टू थ्री फोर, तो ये चार एक तो यहाँ से
इस साइड से ऐसे मिला दिए मैंने इस चार को, आप लोगों को पेंसिल से मिलाने हैं, और यहाँ से मैंने ये फ्लावर, इसमें फोर फ्लावर थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो इन चारों को यहाँ से मिला दिए हैं। यहाँ पर भी ये चार थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चार को चार से मिला दिया। आगे चलते हैं, दो दो क्या चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे ये फ्लावर जो है ये दो हैं, तो इसको यहाँ से मिला दिया। पहली बात तो ये कि इन फ्लावर में ये दो फ्लावर हैं इस साइड में, तो इनको यहाँ से मिला दिया। अब यहाँ से चेक करो, यहाँ तो ये 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, ये चार अपन पहले मिला चुके हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये कुछ भी नहीं है, यानी कि शून्य से मिलाएंगे। ये देखो 1 और 2, 1 और 2, तो इसको मिलाएंगे अपन यहाँ से, ये मैंने मिला दिया यहाँ से तीर का निशान लगाकर। चलिए अब चलते हैं जीरो, तो जीरो यानी कि ऐसा बॉक्स जिसमें कुछ भी नहीं हो, तो इस वाले बॉक्स में इस वाली साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से मिला दिया। इधर इस वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ से इसको मिला दिया। अब बात आती है नौ के बारे में, नौ, नाइन, ठीक है, तो काउंट करें, ये तो 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, ये चार हैं, 1 2 3 4, इनको मिला रखा है अपने, इनको काउंट करें, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ रहे हैं, तो ये 9 को यहाँ से मैंने मिला दिया। अब बात करें आगे, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, 9 एप्पल को यहाँ से मिला दिया। अब देखो ये बॉल्स है, यहाँ देखो यहाँ से 1 2, ये तो पहले मिला रखा है, ये ब्रैकेट 0 था, 0 को अपन ने 0 से मिला दिया। ये 1 2 3 4 5, 5 थे, 5 अभी तक आए नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ रहा है 9, ये 9 को 9 से मैंने मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अब बात करते हैं लास्ट बचा है अपने पास 5, तो कौन सा नहीं मिला है अपने पास, ये एप्पल जो है स्टार्टिंग वाले ये हैं 5, 1 2 3 4 5, इनको अभी तक नहीं मिला है, तो ये इनको मिला देते हैं इस 5 से, ये मिला दिया मैंने एरो का निशान लगा के। और यहाँ पर देखो ये दो हैं, ये 0 था, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0, ये 1 2 3 4 5, इनको अभी तक नहीं मिलाया, तो ये मैंने मिला दिया है 5 से, ठीक है। इस टाइप से अपने कार्यपत्रक 3 कंप्लीट हुआ है, कार्यपत्रक 3 पूरा हो चुका है। यहाँ पर कार्यपत्रक 3 में आज का दिनांक जो है वो लगा देते हैं, आज का दिनांक है 22 नवंबर 2020, 22/11/20, ठीक है, ये आज का दिनांक हो गया, ठीक है। आपको फ़ोटो खींचकर आपके टीचर के ग्रुप, जो आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रखे हैं, उसमें इसको सेंड करना है। अपन एक और कार्यपत्रक कर लेते हैं, कार्यपत्रक 4, ठीक है, उसके बारे में और बातचीत कर लेते हैं। इस वाले कार्यपत्रक 3 में अपन ने क्या सीखा है, इस कार्यपत्रक 3 में अपन ने 0 के बारे में जानकारी ली है, कि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन ने जानकारी ली। जैसे इस पेड़ पर कोई भी आम नहीं था, तो कितने आम हैं, 0 आम हैं। इस प्लेट में कोई भी अपना रसगुल्ला नहीं था, तो 0 रसगुल्ले हैं। यहाँ पर इस वाले बॉक्स में कोई भी सामान नहीं था, इसका मतलब इसको 0 से मिला है। इस वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं था, इसका मतलब इसको 0 से मिला है, ठीक है। तो अपन समझ गए हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन, अपन बात कर रहे हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है अपने को कार्यपत्रक 4, कार्यपत्रक 4 में क्या है इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। कार्यपत्रक 4 में संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पर छूटी हुई संख्याएं, जो संख्या रह गई है उनके बारे में बातचीत करनी है, और 1 से 50 तक की संख्याओं को कार्यपत्रक 4 में समझाया गया है, ठीक है, या उनके क्रम को गिनने के बारे में अपने को समझाया गया है कि किस प्रकार अपन 1 से 50 तक की संख्याओं को गिन सकते हैं, और उनके बीच में छूटी हुई संख्याओं को अपन वापस नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोगों को पेंसिल से ये लिखना है, मैं पेन से कर दे रहा हूँ। जैसे देखो इसका क है, इसमें 1 2 3 तक तो बना रखा है, फिर बाद में जो ये गोले हैं, ये सर्कल हैं, ऐसे ही छोटे हुए हैं, तो ये छूटे हुए हैं, उनमें अपन को संख्याएँ लिखनी है, लगातार क्रम में लिखनी है, कहीं कुछ छोड़ना नहीं। 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगी, 4 फिर आएगा, 5 फिर आता है, इसके बाद 6, इसके बाद आता है 7, और फिर दे रखा है 8, हो गया। चलिए दूसरे वाले खे में बात करते हैं, 2 1 21,
21, 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22, 22 के बाद 2, 22 हो गया 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, फिर 25, 25, 25, फिर आएगा 26, 26, 26, फिर आएगा 27, 27, 27, 27, फिर आएगा 28, 28, 28, फिर 29, 29, 29, चलो फिर आगे चलते हैं गए वाले में, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 33, अब आएगा 34, 34, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 38, 38, 38, कितना हो गया 38। अब आते हैं इसके बड़े वाले गए पर, उसमें 41, 41 यानी कि 41 दिया हुआ है, अब आएगा 42, 42, 42, फिर आएगा 43, 43, 43, फिर आएगा 44, 44, 44, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 47 दिया है, 48, 48, 48 और 49, 49, 49 दे रखा है अपने को। इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन में जो है उसमें कहा है बच्चों की जोड़ियों को गिनकर नीचे बॉक्स में कुल संख्याएं लिखनी हैं। तो ये सारी की सारी बच्चों की जोड़ियां आ गई हैं अपने पास, चलो ठीक है। तो ये कितनी हैं इस जोड़ी में, दो हैं, ठीक है, जोड़ियां गिनकर बॉक्स में, अच्छा जोड़ियों की संख्या लिखनी, बच्चों की जोड़ियों को गिनकर नीचे बॉक्स में कुल संख्या लिखनी है। अच्छा तो जोड़ियां कितनी हैं, पहले तो जोड़ियां के बारे में बात करें, एक जोड़ी है, ठीक है, जोड़ी में कितने हैं दो, एक जोड़ी है इसमें 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 कितने हैं दो, ठीक है। तो ये दो दो की सारी जोड़ियाँ बनी, अब इनको जोड़ियों गिनते, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, फिर पांच जोड़ी, फिर छह जोड़ी, फिर एक ही बच गई सात जोड़ी, ठीक है, जोड़ियों पर राइट का निशान भी लगाते हैं। तो अभी तक कितनी जोड़ियाँ गिन ली अपन ने, चार, पांच, छह, सात जोड़ियाँ तो गिन ली, ये आठवीं जोड़ी है और ये नौवीं जोड़ी है, कितनी जोड़ी है, नौ जोड़ियाँ हैं। तो जोड़ी तो हो गई नौ, नौ जोड़ी, कितनी जोड़ी हो गई, नौ जोड़ी हो गई। और इनको सबको गिनने, अपन सबको गिनने बैठते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, नौ जोड़ियों में कुल अठारह, वन एट एटीन, अठारह बच्चे हैं। नौ जोड़ियों में कुल कितने बच्चे हैं, अठारह बच्चे हैं। तो आज का दिनांक यहाँ पे लगा देते हैं अपन ने, कार्यपत्रक चार भी कंप्लीट कर लिया है, आज का दिनांक आज लगा देते हैं अपन 22/11/2020, 22 नवंबर 2020। अब इसको आपको आपके टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखा है उसमें सेंड करना है। तो आज की कक्षा में अपन ने क्या सीखा, आज की कक्षा में अपन ने दो बातें सीखी है, कार्यपत्रक तीन के अंदर अपन ने जीरो के बारे में सीखा है कि जीरो कैसे आता है, जीरो किस प्रकार से अपन काम में लेते हैं, जहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होती वहाँ पर क्या संख्या होती है, जीरो होती है। और फिर कार्यपत्रक चार के अंदर अपन ने क्या सीखा कि बीच में छूटी हुई संख्याओं को अपन किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन कर लें। और एक अपन ने जोड़ियों के बारे में, जोड़ियों को देखकर उसमें कितने संख्याओं में बालक हैं उनके बारे में सीखा है। चलो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।